हम आज है कार्यक्रम के अंतर्गत गया अटारी के रहने वाला एक युवक रविकांत कुमार से बातचीत भोजपुर दर्शन का हुआ। रविकांत ने गीता पर एक शोध भी किया है और इस संदर्भ में भोजपुर दर्शन की बातचीत के क्रम में कई बातों को जानकारी भी दिया। आइए सुनते हैं रविकांत की कुमार की बात। नमस्कार, हम हाजिर है कार्यक्रम में आपका स्वागत है दर्शकों। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन एक नए मेहमान से मिलते हैं और आप अपने दिल की बातों को जानकारी देते हैं। आज आपकी हर बातों को जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं रविकांत कुमार जी। रविकांत कुमार जी, वैसे तो आपकी गया जिला के एक गाँव है अतरी, प्रखंड है अतरी, जहाँ पर गाँव है टेटुआ, ये वहां के रहने वाले हैं। लेकिन यह बच्चा जो यह लड़का जो आप सबके हैं, हम सभी के बीच के रहने वाला है, यह रविकांत कुमार जी एक नई चीज सोचता है, जो बचपन से एक लड़ाई था अपने मन में कि गीता पर कुछ विशेष खोज किया जाए। और उस खोज के चलते इन्होंने बहुत कुछ रविकांत ने सोचा है जो आपसे बात करेंगे रविकांत जी। लेकिन रविकांत जी के पिताजी का नाम है कमलेश सीजी, जो आपको ये रविकांत अपने गांव से ही प्रारंभिक शिक्षा टेटुआ से इन्होंने प्रारंभ किया और उसके बाद जय हिंद पब्लिक स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद आपके वजीरगंज कॉलेज गया से इन्होंने इंटर की परीक्षा पास किया है। ये दो भाई और एक बहन है, सबसे ज्यादा इनको रुचि क्रिकेट खेलने में है और बैडमिंटन भी खेला करते हैं। ये भोजपुरी और हिंदी गाना को रविकांत सुनना पसंद करते हैं। वैसे आपको बता दें कि इनका खाली समय में धार्मिक पुस्तक पर पढ़ना विशेष रुचि है और ध्यान भी करना रुचिकर इनको है। जो खाली समय मिलता है तो ये ध्यान लगाते हैं और अपना धार्मिक पुस्तक का अध्ययन भी करते हैं। इनका है कि लोगों की परेशानी को हम कैसे दूर करें। इनका एक सपना है कि भारत की हर नागरिक को जो परेशानी है, परेशानियां है, उस परेशानियों को दूर करें। रविकांत का नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप जब कभी भी कुछ बातें करना चाहते हो रविकांत से तो आप बात कर सकते हैं। इनका नंबर है 7488446684। रविकांत जी से बातें करने से पहले सभी भोजपुर दर्शन के सभी दर्शकों की ओर से, भोजपुर वासियों की ओर से, बिहार वासियों की ओर से रविकांत तुमको बहुत बहुत बधाई शुभकामना कि आपने भोजपुर दर्शन को आपने समय दिया और गीता पर आपने कुछ नया कुछ करने के बारे में आपने सोचा, इसके लिए बधाई शुभकामना। क्या कहोगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को? हम सभी बिहारी भाइयों को नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं भोजपुरी दर्शन को चैनल को भी नमस्कार करना चाहता हूँ। आपको नमस्कार, आपका अभिवादन को स्वीकार करके आपना भी एक अभिवादन किया, आप सबको अभिवादन किया रविकांत कुमार ने। लेकिन बात आती है कि रविकांत ने जो बातें करना चाहते हैं वो बातें यह है कि आखिर गीता क्या ज्ञान सिखाता है। गीता के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन गीता आखिर क्या संदेश देता है, क्या चीजें जो सबसे उसमें महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में? तो सबसे पहले रविकांत ये बताओ कि आम जनता एक बात हर कोई जानता है, प्रेम, तो प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब भलाई होता है। प्रेम का मतलब भलाई होता है, चाहे छल से या बल से या कौशल से, किसी भी तरह किसी को भला कर दो, लेकिन भगवान की इच्छा से। भगवान की इच्छा क्या है वो गीता में बता दिए हैं। हम लोग गीता का अनुसरण करते हुए किसी को भलाई कर देना ही प्रेम है। प्रेम जिसे प्यार भी कहते हैं, और लोग जानते हैं कि अगले से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। लोग कहा करते हैं मैं भी प्यार करता हूँ, लोग ये भी कहते हैं मैंने भी प्यार किया, लेकिन वो प्यार है क्या, प्रेम है क्या, इसके बारे में रविकांत ने आपको बताया। लेकिन रविकांत आप कैसे कह रहे हो कि प्रेम का मतलब यही है? जिस तरह किसी को फूल पसंद आ जाता है तो सिर्फ पसंद आ गया तो उसे तोड़ना पसंद करता है, उसी फूल से किसी को प्यार हो जाए तो उस पेड़ को डेली वो पानी देता है, उसको रख देख रेख करता है, उसके बाद जाता है उस फूल को तोड़ता है।
डॉक्टर भी सभी से प्यार ही करता है, किसी को दवा देकर ठीक करता है, किसी को सुई देकर ठीक करता है और किसी को ऑपरेशन करके ठीक करता है। प्यार में एक समझ होना चाहिए, ये नहीं कि उसे छोड़ देना चाहिए कि जो भी कर रहा है सही है। हमको देखना होगा उसकी भलाई ही प्रेम है, तो भला होना चाहिए। एक दूसरे को भलाई यानी मदद करना, सहयोग करना ही प्रेम है, लेकिन लोग प्रेम के मतलब कुछ और समझ जाते हैं। लेकिन एक बात आती है कि दोस्त, मित्र, मित्र का मतलब क्या है? का दोस्त का मतलब हम जानते हैं कि दोस्त मतलब उसकी सारी बुराइयों को खत्म करना है, वही उसको सही राह पर लाना ही दोस्त कहलाता है। ये साथ देना ही नहीं कि वो जो कर रहा है उसी में साथ देना ही दोस्त नहीं कहलाता है, उसकी सारी बुराइयों को खत्म करना ही दोस्ती कहलाता है। आपने सुना कि दोस्त वह है जो एक अंदर की बुराई को दूर करे। दोस्त का मतलब, मित्र का मतलब यह नहीं कि केवल साथ रहना, हंसी मजाक करना, खेल कूद करना, वो दोस्त का मतलब, मित्र का मतलब नहीं है। मित्र का मतलब है जो अंदर बुराई है वो दूर करे दूसरे को, वो है दोस्त, वो है मित्र। एक ही बात रविकांत ने, आपने तो बहुत कुछ बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, अपने पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को, लेकिन रविकांत एक बात हमारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे कि लोग कहा करते हैं पाप और पुण्य। पाप और पुण्य क्या है? पाप है अगर जिंदगी को सदुपयोग कर रहे हैं तो, पुण्य है और जिंदगी का दुरुपयोग कर रहे हैं वही पाप है। जिंदगी को सदुपयोग करिए वही पुण्य है और दुरुपयोग कर रहे हैं वही पाप है। नहीं, इसको गीता में आपने, गीता के माध्यम से जो आपने कहा, उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जिस तरह से पाप, अगर जिंदगी को हम लोग अच्छा से नहीं जी रहे हैं या दूसरे को नहीं जीने दे रहे हैं वही पाप है, और अगर जिंदगी को अच्छे से जी रहे हैं और दूसरे को जीने और बढ़ने में मदद कर रहे हैं वही पुण्य है। वैसे तो पाप और पुण्य का बहुत तरह की परिभाषा है, बहुत तरह से आप समझ सकते हैं, लेकिन सरल भाषा में रविकांत ने आपको बताया कि पाप और पुण्य का मतलब क्या है। पाप और पुण्य क्या है? जो दूसरे के लिए भलाई का कार्य करे वो पुण्य है, अगर दूसरे के लिए बुराई का काम करे कोई व्यक्ति तो वो है पाप। और दोनों में अंतर जो है आपको सरल तरीका से रविकांत ने बताया। रविकांत ने बहुत चीजों के बारे में आप सभी को बतला रहे हैं, लेकिन बात आती है कि बहुत से लोग आज के समय में अप्रसन्न है। व्यक्ति जो है वो अप्रसन्न है, व्यक्ति प्रसन्न यानी खुश कैसे रहे, क्या कहोगे? हम लोग को गीता को पढ़ना होगा। गीता को इस मतलब से नहीं पढ़ना होगा कि सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, इसको जीवन ग्रंथ के माध्यम से पढ़ना होगा। ये पूरी मनुष्य जाति के लिए बहुत ही अच्छा है। गीता को हम लोग अगर बार बार दिल से पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में पॉजिटिव विचार आएंगे और जिंदगी हम लोग को शांति प्रदान करेगी। इंसान क्या चाहता है? शांति। अगर दिमाग शांत रहा तो कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं, या नौकरी कर सकते हैं, या खेल सकते हैं, या पढ़ाई कर सकते हैं, या रिलेशनशिप में भी अच्छे से रह सकते हैं। इसीलिए गीता को लोग बार बार अध्ययन करने से पॉजिटिव विचार हमारे दिमाग को मजबूत कर देता है और हमें शांति प्रदान करती है। वैसे तो रविकांत ने कई पुस्तकों को भी अपने लिखने का प्रयास किया है और वो पुस्तक जो लोगों ने काफी सराहना किया है, और सरल तरीका से आपको बताया कि आज के दौर में जो व्यक्ति काफी परेशान रहते हैं वो प्रसन्न खुश कैसे रहे। लेकिन बात आती है रविकांत एक बार पाप कि ये जो आम जो चीजें हैं रविकांत, वो जो दर्शक जो हमारे हैं, जनता जो है, बिहारवासी, देशवासी, वो काफी इन सारी चीजों से जूझते रहते हैं, लेकिन इंसान कहते हैं कि मैं हार गया, मैं अपने को सफलता नहीं मिल पाई, हारने की बात कहा करते हैं, तो इंसान की हार कैसे हो जाता है? बिना मकसद का आदमी भटका हुआ है। जिसका मकसद जिंदगी में नहीं है वही भटका हुआ है। उसके बारे में इतना पढ़ें, इतना लिखें कि आपका मकसद फिक्स रहे। जिंदगी में आपके पास दो चॉइस है, जिंदगी को जीना है या काटना है। कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना है, और थोड़ा पाना है तो थोड़ा छोड़ना है, और बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ छोड़ना है, और सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ना है। कर्म योगी बनना होगा। कर्म तो एक भिखारी भी कर रहा है
और एक खिलाड़ी भी कर रहा है, लेकिन हम लोग को खिलाड़ी बनना होगा अपने फील्ड का। वो हम अच्छे खिलाड़ी कब बन सकते हैं? थिंक, प्लान और एक्ट। सोचने के बाद विचार, उसके बाद कर्म करना चाहिए। उस पहले फिर फीलिंग, तब फाइंड और उसके बाद फॉलो करना चाहिए। परिश्रम इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक पत्थर चोट खा खा कर कंकड़ कंकड़ हो गया, एक पत्थर चोट सह सह कर शंकर शंकर हो गया। बहुत अच्छा उदाहरण कि एक पत्थर चोट खा खा कर कंकड़ बन गया और वही एक पत्थर चोट खाका कर शंकर बन गया, यानी शंकर भगवान बन गया। अगर इंसान चाहता है कि नहीं मुझे कामयाब बनना है तो उसे कर्मयोगी बनना पड़ेगा और तभी मनुष्य का इंसान की हार नहीं हो पाएगा। यह कहना है रविकांत कुमार जी का। रविकांत कुमार ने अभी तो बहुत बच्चा है और बहुत कुछ करने के लिए जिसके पास समय है और योजना है, उम्मीद है कि आप सबके शुभकामना से, आशीर्वाद से यह रविकांत कुमार जरूर देश का नाम रोशन करेगा। और आम जनता की इस प्रकार रहने की जो कला है उसके बारे में यह जानकारी देने का एक प्रयास किया। पुनः आप सभी की ओर से, भोजपुर दर्शन के सभी दर्शकों की ओर से रविकांत आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि आपने भोजपुर दर्शन को समय दिया और हमारे दर्शकों को यह बतलाया कि प्रेम क्या है, दोस्त का मतलब क्या है, पाप और पुण्य क्या है, इंसान की हार कब और कैसे होती है, और साथ में व्यक्ति की प्रसन्न रहे तो व्यक्ति प्रसन्न कैसे रहे। इन सारी मुद्दों पर आपने हमारे दर्शकों को, बिहारवासियों को, देशवासियों को जो जानकारी दी, इसके लिए पुनः आपको बधाई, शुभकामना। धन्यवाद।